गाइस 8 स्टेज से गुजरा है ये। नए संसद भवन पर लगा अशोक स्तंभ। नए संसद भवन की छत पर बना अशोक स्तंभ यानी राष्ट्रीय प्रतीक ब्रॉन्ज से बना है, जिसका वजन 9500 किलो है और इसकी लंबाई 6.5 मीटर है। इसके चारों ओर स्टील का एक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर बनाया गया है, जिसका वजन करीब 6500 किलोग्राम है। इस अशोक स्तंभ के कंसेप्ट और इसे नए संसद भवन की छत पर लगाने तक की प्रक्रिया 8 स्टेज से गुजरी है। इस प्रोसेस में क्ले मॉडलिंग और कंप्यूटर ग्राफिक्स से लेकर ब्रॉन्ज की ढलाई और उसकी पॉलिशिंग तक के प्रोसेस शामिल है। सबसे पहले इस प्रोजेक्ट में शामिल आर्किटेक्ट्स और ग्राफिक डिजाइनरों ने एक कंप्यूटर ग्राफिक स्केच तैयार किया था। इसके बाद ग्राफिक स्केच के आधार पर एक क्ले मॉडल बनाया। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग यानी CPWD की सलाह पर ब्रॉन्ज मेटल से बने राष्ट्रीय प्रतीक का शुरुआती कंसेप्ट डिजाइन अहमदाबाद में हसमुख सी पटेल ने तैयार किया था। इसके बाद टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड और औरंगाबाद के सुनील देवर ने क्ले और थर्मोकोल मॉडल तैयार किया। इस अशोक स्तंभ के बनाने के बाकी प्रोसेस और जयपुर और दिल्ली में लक्ष्मण व्यास की अगुवाई में विशेषज्ञ कारीगरों ने पूरा किया। इस अशोक स्तंभ को बनाने में 100 से ज्यादा कारीगरों ने 9 महीने से ज्यादा समय तक काम किया। इस प्रतीक को नए संसद भवन के छत पर ले जाने बेहद चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि ये जमीन से 33 मीटर यानी करीब 108 फीट ऊंचा है। इसके लिए प्रतीक को 150 टुकड़ों में बांटा गया था और फिर इसे छत पर असेंबल किया गया। इसके 150 टुकड़ों को असेंबल करने में ही करीब 2 महीने लग गए। इस प्रतीक को उच्च गुणवत्ता वाले कांच से यानी ब्रॉन्ज से बनाया गया है। इसे भारतीय कारीगरों द्वारा पूरी तरह हाथ से बनाया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मटेरियल और शिल्प कौशल के लिहाजे से भारत में कहीं और अशोक स्तंभ इस तरह चित्रण नहीं किया गया है। ये मॉडल अशोक स्तंभ का प्रतिरूप है। दरअसल अशोक स्तंभ या अशोक चिन्ह ही भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। इसे सारनाथ स्थित अशोक की लाट या लायन कैपिटल ऑफ अशोक से लिया गया है। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक को 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। उसी दिन देश का संविधान लागू हुआ था। गाइस ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना न भूलें।